चलो तो भाई चलते हैं अभी हम वापस, वापस नहीं आगे। यहाँ तक का सफ़र, लखनपुर तक का हमारा सफ़र ख़त्म हुआ है और हमें बज रहे हैं 12। 9 बजे जानीपुर थे और यहाँ पे पहुँचे हम 12 बजे। 3 घंटे लगे हैं हमें जानीपुर से यहाँ आने में। बड़े आराम आराम से यार रुक जा, आराम आराम से आए हैं और खा पी के रेस्ट करके दो बार रुक के 3 घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे हैं जानीपुर से लखनपुर। ठीक है, अब हम आगे को निकल रहे हैं पंजाब के लिए, धर्मशाला के लिए। भाई साहब ने बताया है कोई रास्ता हमें कि हमें ममून कैंट से होके जाएंगे तो काफ़ी रास्ता हमारा बचेगा, शायद 30 किलोमीटर तक का। तो रोड पे उन्होंने कहा शायद नहीं दिखाएंगे मैप, तो उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि इस तरह से जाइएगा आप, आपको बड़ा रास्ता बचेगा। तो हम वहीं करना चाह रहे हैं, अभी देखते हैं। गर्मी हो चुकी है, अब जाना कहाँ से है ये नहीं पता चल रहा। पता नहीं चल रहा कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। पूछा भाई, भाई साहब ने बोला कि जाने दो, गाड़ियों के लिए शायद नहीं है यहाँ पे क्योंकि सिस्टम ख़राब चल रहे हैं शायद। और इसी के साथ हम ने क्रॉस किया है लखनपुर का टोल प्लाज़ा। लखनपुर का टोल प्लाज़ा मतलब जम्मू का गेटवे हमने क्रॉस किया और अब हम जा रहे हैं जम्मू की सरहद से बाहर। इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे पंजाब में, लखनपुर का टोल प्लाज़ा। एग्जैक्टली पंजाब नहीं पहुंचे शायद अभी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ से पठानकोट अगर आप देख रहे हैं तो 18 किलोमीटर है, दिल्ली 479 लेकिन हमें ना तो दिल्ली जाना है ना जलंधर जाना है, हमें जाना है हिमाचल। तो भाई साहब ने कहा कि आपको पठानकोट जाने की ज़रूरत नहीं है, पठानकोट आपको 18 किलोमीटर पड़ेगा जो कि दूर हो जाएगा, उस लिए आप क्या करिएगा यहाँ से पहले। मोहतरमा को कुछ डायरेक्ट किया है, ये पहले भी इधर आ चुकी हैं कई बार तो इनको बेहतर पता है कि कहाँ कहाँ से घूमना है। आपने अंदर जाना है, माधवपुर से रास्ता चेंज करना है और आगे जाके आपको रास्ता आएगा डिफेंस चौक का, फिर आपने डिफेंस चौक से होते हुए ममून कैंट जाना है। तो ममून कैंट जो मैंने उसमें डाला उसमें तो 28 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन भाई साहब ने कहा ये 28 किलोमीटर है नहीं, अगर आप उससे जाओगे तो 28 किलोमीटर है, ऐसे ये रास्ता कम है। तो ये हमारे भाई जो हैं ये डिफेंस वाले आ रहे हैं, कोई अपना कुछ कर रहे होंगे, हमें क्या है यार, सबका अपना अपना काम है, सबको करने दो अपना काम, दूसरों के काम में काहे टांग गड़ानी यार। ये देखो जी, ये आ रही है नदी और ये यहाँ पे इसका पानी रोका गया है। मुझे ये रावी है, ये रावी है आ रही है, इसके ऊपर पंजाबी में गाना बना था ना, वगदी रावी विच जुगनू जा जगदा कमला जा दिल तेरे बिना नहीं लगता। बड़ा ही वाहियात गाता हूँ मैं, उसके लिए माफ़ करना। मैक्सिमम गेट्स बंद किए हैं, एक आध गेट खुला है उसका रावी का और रावी से पानी आ रहा है। आगे हम चलते हैं, अब देखिए कहाँ जाते हैं, पठानकोट जाते हैं या माधवपुर, जो जगह हमें जल्दी ले जाए, अच्छी जगह ले जाए, हम तो वहीं जाएंगे। वाह देखो, पंजाब की सरहद में हम आ चुके हैं। ये देखिए पहली पोस्ट आ गई पंजाब पुलिस की, आगे बोर्ड लगे हैं पंजाब पुलिस का, के तो पंजाब पुलिस नु आए ना समझो। अच्छा अब सीधे जाना भाई, बाहर बोर्ड लगा है पठानकोट पंजाब, 33% क्या है पता नहीं, कुछ लगा है 36 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर, 19 डिग्री मिनिमम। हाँ अभी का दिखा रहा होगा भाई, हाँ तो दिन का दिखाता है ना। अधिकतम दर्जे हरारत, हरारत क्या बोलते हैं, हरारत, न्यूनतम दर्जे हरारत, दर्जे हरारत, हरारत होता है शायद टेम्परेचर और दर्जे होता है जो रिकॉर्डेड है ना, और ये उर्दू के अल्फाज हैं।
ट्रक आ गया ट्रक अगे पूंड हैगा भाई रे किद्दा जावा मैं ये वाला बोला था उसने हां ये माधवपुर में है ना हां ये वाला बोला था उसने कर लिया ना क्रॉस अब अब बोलना है डिफेंस चौक है ना यही होगा और क्या होगा हाँ तो वही होगा ना ममून कैंट हाँ 16 किलोमीटर यही चौक है लेकिन इससे बोला था पहला चौक पोर्टलोजी वाले चौक होगा ये ममून कैंट तो यही है इसके बाद आगे होगा ना ये सब पंजाबी में लिखा किसी को पूछेंगे अरे यार हमें ना वो भी नहीं दिखा पता आपको बेलना हाँ पूछते हैं ना भैया ये ममून कैंट दी जंदा रास्ता ममून कैंट तो ममून कैंट दी डिफेंस चौक इधर ही है ये एक्चुअली हमें जाना आगे धर्मशाला हमें किसी ने कहा आप यहाँ से जाओगे तो ये ठीक है भैया थैंक यू भैया जा रहे हैं डलोजी की तरफ डलोजी कह रहा हूँ माफ़ करना धर्मशाला की तरफ भाई साहब ने बताया था कि हमें ममून कैंट से यहाँ से गाड़ी आ रही है हमें ममून कैंट से की तरफ जाना है और वहाँ से हमें बड़ा शॉर्ट पड़ेगा नहीं तो अगर हम मेन गूगल को फॉलो करते तो बहुत आगे हमें लंबा पड़ना था वो शायद 30 किलोमीटर ज़्यादा तो यहाँ पे किसी से हमने और भी पूछा उन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल सही आप इस रास्ते को बिल्कुल मत छोड़ना और सीधे चलते रहना तो इसी रास्ते में 7-8 किलोमीटर पे उन्होंने कहा कि ममून कैंट आ जाएगा शायद और उसके बाद आप किसी को फॉलो करोगे तो आप जाओगे सीधे धर्मशाला की तरफ हिमाचल की सरहद में आ जाओगे आप तो हमने वो वाला रास्ता जो भी बसेस लेती हैं और गूगल पे मेंशन है वो ना लेते हुए ये छोटा रास्ता लिया और बात यह है कि अभी सुबह के 12 बज रहे हैं हम ज़्यादा लेट नहीं हैं तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ताकि अगर हम आगे पीछे हो भी जाएँ तो वापस अपनी जगह पर पहुँच जाएँ लेकिन अगर कोई बंदा रात को आ रहा हो तो उसको इस तरह की एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए रात के टाइम पे आपको जो मेन रोड हैं अलग है तो ये भी बहुत बड़ी रोड जो बड़े बड़े रोड हैं जो जहाँ पे कंटिन्यूटी में ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है उसी पे रहना चाहिए और उससे भी बेहतर मैं कहूँगा कि रात को चलना नहीं चाहिए रात को कहीं आप स्टे कर लो वो ज़्यादा बेहतर है लेकिन अगर आप कहीं फंसे हैं आपको अर्जेंटली जाना है तो आप मेन रोड से ही जाएं और उन रोड से जो कि पहले ही लोग जिनके बारे में जानते हैं वहाँ पे जाएं ये तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है मॉर्निंग का टाइम है अभी टाइमली कहीं पहुँच जाएंगे इस वजह से हम जा रहे हैं इस रास्ते को अब दिक्कत ये है कि हम पंजाब में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो साइन मार्क्स हैं रोड मार्क्स हैं के लिए जो साइन हैं वो सारे के सारे पंजाबी में लिखे हुए हैं अब मुझे समझ नहीं लग रहा है कि पंजाब सरकार क्या कह रही है कि जो भी पंजाब में आए क्या वो पहले पंजाबी सीख के आए यार मेरे हिसाब से 22 लैंग्वेजेस हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में शेड्यूल्ड हैं तो अगर इस तरह से होगा तो हर बंदा उन 22 लैंग्वेजेस को कैसे सीखेगा यार ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना इंसान के लिए इतनी लैंग्वेजेस एक हर बंदे के लिए सीखना तो अच्छा पॉसिबल नहीं है तो इसलिए एटलीस्ट जो 2-3 लैंग्वेजेस जो मेनली यूज़ होती हैं वो साइन बोर्ड्स उसमें होने चाहिए एक आपकी रीजनल लैंग्वेज हो एक हिंदी हो एक इंग्लिश हो ताकि रीजनल जो पब्लिक है उस पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ सकें और बाहर से आने जाने वाला जो है वो इंग्लिश और हिंदी को बेहतर समझ पाएगा तो ये 3 तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए किसी भी साइन बोर्ड्स में तो ये मुझे पंजाब सरकार की समझ नहीं आई बात अब कल को हम महाराष्ट्र जाएंगे वहाँ पे साइन बोर्ड्स मराठी में लिखे होंगे कैसे जानेंगे यार हाँ हर जगह पे कश्मीर आओगे उधर उर्दू दिखेगी फिर क्या करोगे ऐसा मुश्किल है 3 लैंग्वेजेस एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि बंदा आराम से समझ सके ये शायद स्टेट हाईवे है
तो उस वजह से यहाँ पे वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो बड़े बड़े ट्रक, वो नहीं है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ रहती है। पेड़ यहाँ पर ज़्यादा हैं साइडों पे। ये फिर से साइन बोर्ड आ गया पूरे का पूरा पंजाबी में है। भगवंत मान जी की चाहते हो तुसी, पंजाबी सीख लीए हूँ। माड़ी माड़ी बोलना तो आ जाती है पर उड़ा आड़ा कितना सीख लीए पढ़ना। आपां उर्दू नहीं सीखी। उर्दू आपां नूं पढ़ना नहीं आती। आपां नूं बोलना फिर आ जाती है, गल करना थोड़ी बड़ी आ जाती है, तो समझ आपां लैने आ। पर यार उड़ा आड़ा हूँ बुढ़े बारे कदों सीखांगे इहनूं। अंग्रेजी ने पहले जब पाए रखिया पूरी उम्र, हुण तुसीं ये उड़े आले वाला जब पा दोगे, आ कितना चलूगा यार। आ गलत गल है। आ बेलना हैगा इत्थे रोज़ दे दो तीन पता नहीं कितने, बट वीर ने कहा सीगा कि रस्ता नहीं छड़ना, इस करके आप रास्ते ते ही कायम हाँ। अभी जाके पेट्रोल का टैंक मेरा हुआ है आधा। तो स्कूटी जो है ये माइलेज भी अच्छी देती है भाई, 192 किलोमीटर है ना, आराम से पहुँचेगी यार बिना तेल डलवाए। नहीं पहले वाले को गिन के कर रहा हूँ, 5 लीटर का टैंक है, 40 की माइलेज भी देगी तो आराम से 200 किलोमीटर चलेगी। और नहीं भी होगा थोड़ा पहले डलवा लेंगे यार, फिर क्या है। अब यहाँ से पूछते हैं ना, नहीं सीधा ये छोड़ना ही नहीं है हमने, तो कहीं तो जाना। अब पंजाब ममून कैंट शायद यही होगा अंकल, ममून कैंट यही है। वहाँ से धर्मशाला के लिए जाएगा रास्ता, वहाँ से सीधे जाना हमने। अब इसी रोड पे, हाँ जी 7 किलोमीटर जाके राइट साइड जाऊँ, सीधे ही रहना तो धर्मशाला सीधे ही है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हाँ सर नहीं बोलना होता है, सर बोल के ऐसे, सर तो एक्चुअली बनता नहीं है बोलना ऐसे भी टेक्निकली भी, और वो एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। भैया या अंकल बोलोगे ना, वो एक पर्सनल टच देता है हमेशा इंसान को, तो वो आपको थोड़ा सा ना जा मतलब चाहते हुए भी ना अनकॉन्शियसली वो आपको एक अच्छे से ट्रीट करेगा अगर आप भैया या अंकल बोलोगे, वो एक आप पर्सनल टच ले लेते हो। और सर कहे बोलना है यार, हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी हमारे भाई बहन हैं सारे, तो हमें क्यों उनको ऐसे करना, हम कोई फॉरेन में थोड़ी हैं यार। सारे नहीं हैं, सारे ही होते हैं, मतलब अब हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, मतलब ऐसे वैसे तो कोई लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, लेकिन एक नेशन की तरह अगर बात करें तो सारे एक तरह से भाई बहन ही होते हैं, तभी तो एक नेशन बनता है। तो हमें एक गोली आगे एक दुश्मन, इसका मतलब है कि गोलियां वेस्ट नहीं करनी है, एक गोली में एक दुश्मन को निबेड़ना है, निपटाना है, ये ऐसा आर्मी का कहना है। आर्मी की है भाई जगह है ये। कहाँ जाने दूँ यार, वो नहीं जा पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा, हम ही जाएगा सिर्फ, अश्वत्थामा है मैं भाई। जैसे जैसे हिमाचल की तरफ जा रहे हैं तो मौसम में बदलाव आ रहा है, मौसम पहले जो चिलचिलाती धूप थी अब थोड़ा उसमें फ़र्क आ रहा है। यहाँ तो ऊपर बादल हैं या क्या है, लेकिन छाँव तो है भाई। अब ममून मिलिट्री स्टेशन हम पहुँच चुके हैं, यानी कि ममून कैंट। अब इसके आगे हम चल रहे हैं हिमाचल की तरफ, लेट्स फाइंड आउट। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे की जर्नी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।